नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं HDFC ATM कार्ड का पिन कैसे बनाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं हमारे पास HDFC बैंक का वेलकम किट मेरे पास आ चुका है। अगर आपके पास इस तरह से वेलकम किट होगा, इसके अंदर आपको चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड आपको देखने मिलता होगा। तो इस तरह से आपको वेलकम किट होता क्या कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको वेलकम किट बाय पोस्ट आपके घर तक आ जाता है। अगर आप ऑफलाइन बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट खुलवाते समय ही आपको इस तरह से एक वेलकम किट मिलता होगा। इसी वेलकम किट के अंदर आपको चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड मिलता होगा और इसी वेलकम किट में आपको ATM पिन भी मिल जाता है। तो वो आपको कैसे जनरेट करना, कैसे बनाना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से HDFC ATM कार्ड का पिन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वेलकम किट को जैसे आप यहाँ पे इसको कट करेंगे, कट करना तो आपके सामने इस तरह से देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने मिलेगा कागज, यहाँ पे देखेंगे यहाँ ATM डेबिट कार्ड पिन मेलर, तो आपको इसी में आपको पिन देखने मिलेगा। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे और सब देखने मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ATM कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा ATM कार्ड है यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको हाइड कर रखा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ATM कार्ड है यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना है क्या कि आपको यहाँ पे एक इस तरह से देखने मिलेगा, इसी में आपका ATM पिन रहता है। इसी ATM पिन से आपको एक नया पिन जनरेट करना है, नया पिन बनाना है। तो उसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पर साइड में दिया कट करने के लिए आपको क्या करना, सिंपली आपको यहां साइड से आपको यहां पर कट करना। तो चलिए यहां पे क्या करेंगे गाइस, यहां से आप कट मार लेंगे। यहां पे दिया हुआ कैंची से आप यहां पे कैंची से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं कट। यहां क्या करेंगे, आपको इधर से यहां पे कट कर लेंगे। कट करना गाइस यहां पे इसके अंदर आपको पिन देखने मिलेगा। तो उसको क्या करेंगे, यहां पे पूरी तरह से आपको क्या करना है, यहां से आपको इसको यहां पे फाड़ देना है। इधर से आपको क्या करेंगे, इधर से भी आपको फाड़ देना है इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ATM पिन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका ATM पिन रहेगा। आप इधर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9938। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको ऊपर में भी देखने मिलेगा, यहाँ देखेंगे आपको डिजिट में देखने मिलेगा 9938। इसी पिन से आपको ATM में जाके आपको अपना ATM कार्ड को एक्टिव करना है, अपने ATM कार्ड को चालू करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आपको यहाँ देखेंगे 9938, इसको क्या करेंगे आप कॉपी में लिख लेंगे। लिखने बाद दोस्तों क्या करना, आपको अपना HDFC किसी भी HDFC ATM में चले जाना, यानी आपको पिन जनरेट करेंगे लिए फर्स्ट टाइम आपको HDFC ATM मशीन में ही जाना होगा। ATM मशीन में जाके तब जाके आप अपना ATM पिन को जनरेट कर सकते हैं, अपने ATM कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं HDFC ATM मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं HDFC ATM मशीन में पहुँच चुका हूँ। ATM मशीन में आने के बाद अपना ATM कार्ड को इस तरह से पकड़ना, अपना चीप वाला पर्सन को आगे की तरफ रखना। उसके बाद क्या करना, आपको अपना ATM कार्ड इसके अंदर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए इसके अंदर डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पर लोडिंग लगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग लगा, आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर देखने मिलेगा इंग्लिश, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिलेगा, मेन मेन्यू और यहाँ पर सेट योर पिन। बस क्या करना, मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, आपको देखने मिलेगा चेंज योर ATM पिन। बस क्या करेंगे आप, चेंज योर ATM पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर 4-डिजिट ATM पिन, यानी आप जो वेलकम किट में जो पिन मिला होगा उस पिन को आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना वेलकम किट का जो पिन मिला यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना पिन डालने के बाद फिर से देखने मिलेगा इंटर योर न्यू पिन, यानी आप अपने ATM कार्ड के लिए जो पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नया पिन यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद फिर से आपको वही पिन को दोबारा देखेंगे, री इंटर न्यू ATM, यानी आपका वही जो पिन अभी टाइप किए हैं उसी पिन को आपको दोबारा टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, प्लीज़ वेट वाइल प्रोसेस रिक्वेस्ट, यानी आपका यहाँ पे पिन यहाँ पे जनरेट होगा, आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट भी मिल सकता है, रिसिप्ट होगा तो उसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, देखेंगे प्लीज़ वेट वाइल योर प्रोसेस रिक्वेस्ट, यानी देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली पिन चेंज योर ATM, यानी आपका पिन यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, अपने ATM कार्ड को इसके अंदर से आप निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा ATM यानी पिन है, यानी मेरा जो HDFC का ATM पिन है, सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट हो चुका, चेंज हो चुका और मेरा ATM कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से HDFC ATM पिन को जनरेट कर सकते हैं, अपना ATM पिन को बना सकते हैं।